वालेकुम। आप देख रहे हैं 47 न्यूज, मैं हूं अनमोल गुज्जर। आई नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिला कंबल शहजाद कोट के तहसील वाड़ा में सेरी जमीन पर बाज सरफराज की जानिब से कब्जा करने के खिलाफ मुतासिर नौजवान रशाद चौलानी ने अवान सहाफत पहुँच कर सख्त एहतजाज किया। नैया तहसील करोड़ लाल एहसन के वार्ड नंबर 9 में लड़की के अगवा का वाकया। 19 साल तुलबा को 3 नामलूम मुसलहा अफराद ने असलाह के जोर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने वाल की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि बहुत जल्द मुलजमान तक पहुँच कर गिरफ्तार कर लेंगे। ओ शरीफ सस्ता रमजान बाजार में ना चीनी ना आटा ना कोई मुलाजिम लोगों को ख्वार किया जा रहा है। इंतजामिया खामोश, सस्ता रमजान बाजार में मार्केट से महंगी अशिया फरोख्त होती है, मनपसंद चीजों को बढ़ाया गया है। चिन्हौट में महकमा फूड के दावे दड़े के दड़े रह गए। महकमा फूड अथॉरिटी की लापरवाही और नाहली के बायस मोट नमा कोल्ड ड्रिंक और दीगर अशिया सरे आम फरोख्त। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्हौट इमरान अली गलोतर की इस रिपोर्ट में। जी इमरान अली, जरा तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा फूड के दावे धरे के धरे रह गए। चिन्हौट में लेमन बोतल के नाम पर जहर फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा 10 रुपए में जूस का डब्बा फरोख्त हो रहा है जो मुख्तलिफ केमिकल और स्क्रीन से तैयार किया जाता है। सरेआम फरोख्त जारी है। सब्जी मंडी में किराना मार्केट और पूरे चिन्हौट में गैर मियारी 2 नंबर जूस के डब्बे और लेमन बोतल फरोख्त हो रही है। कल हमने मुख्तलिफ दुकानों से लेमन की बोतलें परचेज की। जब उनको चेक किया गया तो उनमें गंदगी पाई गई, जाला नुमा गंदगी थी। तो जब हमने दुकानदार से पूछा तो उन्होंने बोला तो हमने तो फलां फैक्ट्री से ली है, फलां फैक्ट्री से ली है। ये जो दुकानदार होते हैं, ये सस्ती लेमन खरीद कर जो तकरीबन 3 से 4 रुपए की इनको मिलती है, ये 10 रुपए की फरोख्त करते हैं। जी, चिश्ती में महंगी अशिया खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें? अंजमन सब्जी फरोशों का इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज। मुतासरा ताजरान का कहना था कि 500 रुपया कमाते हैं जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट 5000 का जुर्माना करते हैं। सब्जी मंडी के ताजरों का मार्केट कमेटी समेत सिविल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज। ताजर अमीन ने कहा कि फलों और सब्जियों के रेट तय करते हुए ताजरों को अतमाद में नहीं लिया गया, जबकि सदर अंजमन ताजरान ने कहा कि अपनी कारकर्दगी की खातर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ताजरों का माशी कदल न करे। सकरुंड के नवाही गांव पीड माहौली स्टाप के करीब गांव करम खान केयर ह्यूमैन कचरे के ढेर को अचानक आग लग गई। मजीद जानते हैं 47 न्यूज के रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी की सपोर्ट में। जी गुल मोहम्मद, सारा तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सकरण के नवाई गांव पीर महावली स्टॉप के करीब गांव करम खान कीरो में कचरे के ढेर को अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से गांव के करीब खजूर के दरख्त जल गए और भैंस और बकरियों के झुपड़े भी जल गए। ताहम भैंस और बकरियों को बचा लिया गया, ताहम कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ और लोगों ने अपनी मदद आप जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और डोमकी बिरादरी के लोग थे, कुछ कीरा बिरादरी के लोग थे और कुछ कोली बिरादरी के लोग थे, और भी लोग आए थे जो आग बुझाने में कोशिश कर रहे थे। फिर फौरन सकरण टाउन कमेटी को इतला दिया गया और सकरण टाउन कमेटी के फायर ब्रिगेडियर की 2 गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। जी